दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद मनोज। आदित्य वर्मा ने रणजी प्लेट ग्रुप फाइनल खेल रही बिहार और मणिपुर टीमों को जीत की शुभकामना दी है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के टीम प्रबंधक पर भी निशाना साधा है। इस वायरल वीडियो में आदित्य वर्मा ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके पास बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कोई भी एविडेंस है तो आप थाने में जाकर उसे दें। तो देखें आदित्य वर्मा के उस वीडियो को। 2022-23 डोमेस्टिक सीजन में कल बिहार पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में अपना आखिरी मैच मणिपुर के खिलाफ खेलेगा। वैसे तो दोनों टीम अगले साल एलिट ग्रुप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन फिर भी कल के होने वाले मैच में दोनों टीमों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन अपने बिहार क्रिकेट टीम को चाहूंगा कि अपने होम ग्राउंड में मैच जीते। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस साल के सीजन में चाहे जूनियर से लेकर सीनियर स्तर तक पुरुष या महिला टीम के चयन में जिनका पैसा लगा उनके बच्चे खेले भी नहीं, वो पटना के कोतवाली थाने में FIR 49/23 इन्हीं सब मामलों को लेकर दर्ज हो चुका है। तो वो खुशी खुशी जाके गुप्त रूप से अगर उनके पास हिम्मत है एविडेंस है तो अपनी बात जाके वहाँ पर थाने में रख सकते हैं। इस केस के तहत मैंने BCCI को अल्टीमेटम दे दिया था कि तिवारी प्रेम BCCI को ले डूबेगा। मैं कहना चाहता हूँ मिस्टर राकेश तिवारी, दिस इज योर लास्ट सीजन, क्योंकि जिस प्रकार बिहार के क्रिकेट का मान मर्दन किया है तुमने, ये तुम्हारा आखिरी साल है। भूल जाना कि आगे साल से तुम क्रिकेट में कहीं नजर आओगे। पहले जाओ और अपना बेल सुनिश्चित करो। कैसे बेल होगा? और जो मुझे सुनने में आया है तुम्हारे ऊपर जो और भी एक यौन उत्पीड़न का केस है उसमें भी मामला ऊपर के कोर्ट में जा चुका। बिहार क्रिकेट के इतिहास में राकेश तिवारी ये तुम्हारा आखिरी साल है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर माय बिहार क्रिकेट टीम फॉर टुमारो मैच। थैंक यू। गुड नाइट।